आरबीआई ने मोरेटोरियम पीरियड को एक्सटेंड करके 31 अगस्त तक का कर दिया है, जिसके लिए आपको प्राइवेट बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स और एनबीएफसी सभी में जून, जुलाई और अगस्त के लिए मोरेटोरियम पीरियड डिमांड करने के लिए फिर से अप्लाई करना होगा, जिसमें सभी बैंक्स के प्रोसेस अलग अलग हैं। तो मैं आपको सभी बैंक्स की प्रोसेस को अलग अलग वीडियो के जरिए बताऊंगा, जिसमें आज मैं आपको एक्सिस बैंक में मोरेटोरियम पीरियड के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है इसकी जानकारी दूंगा। दोस्तों, जून, जुलाई और अगस्त महीने की ईएमआई को डिफर करने के लिए आपको एक्सिस बैंक में मोरेटोरियम पीरियड के लिए कैसे अप्लाई करना है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। एक्सिस बैंक में 31 अगस्त तक की ईएमआई छूट पाने के लिए आपको एक्सिस बैंक की वेबसाइट पर आना है, www.axisbank.com। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्ट फॉर मोराटोरियम और डिफरमेंट। यहाँ नो मोर पर आपको क्लिक करना है। आप इस नए पेज पर आ जाएंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट इस पेज का लिंक दे दिया है। यहाँ पर नीचे आपको तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, जिसमें पहला है ऑप्ट नाउ, जिस पर आपको जाना है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लिखा है कि मोराटोरियम या डिफरमेंट पीरियड लेने पर आपको आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर इंटरेस्ट लगेगा। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो अपने ईएमआईज और क्रेडिट कार्ड ड्यूज़ को रेगुलर पे करें, जिससे आप पर एडिशनल इंटरेस्ट का बर्डन ना आए। लेकिन अगर आप पे नहीं कर सकते हैं तो मोराटोरियम अप्लाई करने के लिए ऑप्ट नाउ पर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर लिखना है, वो भी कंट्री कोड के साथ। उसके बाद आपको नीचे कैप्चे जैसा दिया गया है बिल्कुल वैसे ही फिल करना है और इसे सबमिट कर देना है। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, जिस ओटीपी को आपको यहाँ पर लिखना है और इसे सबमिट कर देना है, जिससे आपकी अकाउंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी, जैसे कि अकाउंट होल्डर का नाम और कस्टमर आईडी। अब आप जिस पर मोराटोरियम लेना चाहते हैं उसे यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। अगर एक्सिस बैंक में आपका कोई लोन चल रहा है तो आप एक्सिस बैंक लोन को सिलेक्ट कर लें। अगर आप एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड पर मोराटोरियम लेना चाहते हैं तो आप एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट कर लें। अगर आप दोनों पे लेना चाहते हैं तो आप दोनों भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और इसे सबमिट कर देना है। तो आपकी रिक्वेस्ट रजिस्टर हो जाएगी और आपको 5 दिन के अंदर SMS के जरिए अपडेट किया जाएगा। एक्सिस बैंक में आपको जून, जुलाई और अगस्त, इन तीनों महीने की EMI डिफर करने के लिए एक ही बार अप्लाई करना होगा। आपकी EMI 3 महीने तक डिफर हो जाएगी। जहां कुछ बैंक्स में हर महीने आपको एप्लीकेशन करना होता है, जैसे कि ICICI बैंक में डिफरमेंट पीरियड के लिए जून, जुलाई और अगस्त तीनों महीने के लिए वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन सबमिट करना होता है, जिसका वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल है। इसके अलावा काफ़ी सारी बैंक्स NBFC के ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक्स और ईमेल आईडी लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी हुई है। आप ऑनलाइन लिंक के थ्रू या ईमेल करके भी मोराटोरियम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपने हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। देखते रहे बी स्मार्ट। जय हिंद।